आज जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश कुमार की अध्यक्षता में पोषण पखवाड़ा 2024 का समापन गर्भवती महिलाओं की गोद भराई के साथ किया गया और उन्हें जीवन में संतुलित आहार को प्रयोग बारे जानकारी दी। जीवन के प्रथम सुनहरे 1000 दिनों के महत्व को आयुष विभाग से विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उपस्थित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को पोषण के 5 सूत्र पर विकास शर्मा जिला समन्वयक पोषण अभियान द्वारा प्रकाश डाला गया। पिरामल फाउंडेशन से व्यक्तिगत स्वच्छता तथा अपने आसपास उपलब्ध होने वाले पोषक व्यंजन के फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनीमिया की जाँच की गयी और महिलाओं को एनीमिया में सुधार हेतु बहुमूल्य सुझाव दिए गए। गोल्टी में है तो कोई महिलाएं जो प्रताड़ित पड़ रही तो उसके लिए भी हम आप लोगों का भी सहयोग चाहेंगे। तो आजकल के जमाने में बेटियां भी किसी से कम नहीं है, वो भी हर क्षेत्र में ही तो पढ़ाएंगे कहाँ पे। हमारा असेंबली का अनुपात जो है वो बहुत कहीं अनुरोध रहेगा कि बेटियों को बचाने के साथ साथ उनको कि कल को अगर उनकी शादी होती है तो ये नहीं कि वो पति करूँगा कि आप प्लीज़ इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। यहाँ पे उपस्थित सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएँ एवं आंगनबाड़ी वर्कर, सबसे पहले तो मैं मुबारक देता हूँ आपको कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष शायद ये 6ठा साल है जब ये आपका प्रोग्राम जो है पोषण पखवाड़ा जो है वो चल रहा है। 2018 से लगातार ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है। दो तरह से शुरुआत की थी इस प्रोग्राम की, पहली की थी कि एक पोषण माह बनाया जाएगा सितंबर में, दूसरा कहा गया था कि मार्च, हर साल मार्च में पोषण पखवाड़ा बनाया जाएगा। क्योंकि आप लोग सभी इसमें काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट अलग से है, आंगनबाड़ी वर्कर बहुत सालों से हैं, आशा वर्कर बहुत सालों से हैं, लेकिन जो अचीवमेंट होनी चाहिए वो शायद वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसलिए पोषण पखवाड़ा की तरह जो है वो सारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंबा में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि पहला तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है या फिर कहते हैं आकांक्षी जिला है। अब आकांक्षी जिला क्यों है, सबसे बड़ी बात है आकांक्षी जिला है तो क्यों है बताइए, आप लोग बताइए, लेक्चर देने की बात नहीं है। हिमाचल में सिर्फ चंबा को चुना गया है आकांक्षी जिला, पर क्यों चुना गया बताइए, कोई भी बताइए, आंगनबाड़ी वर्कर्स बहुत है। कुछ तो मालूम होगा क्योंकि ये जो आकांक्षी जिला है डायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ है सीधा सीधा। हमारे जो चीजें जो इंडिकेट करती हैं कौन से जिले आकांक्षी बनेंगे, क्यों बनेंगे, वो इन चीजों के ऊपर निर्भर करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो सोचा गया था वो जिला वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। आकांक्षी जिला होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत बढ़िया जिला है इसलिए आकांक्षी जिला है। आकांक्षी जिला का मतलब ये हुआ कि जो सरकार ने स्कीमें दी थी या फिर जहां पे सोचा गया था जिस डिस्ट्रिक्ट को पहुंचना था वहां तक ये पहुंच नहीं पा रहा है। कारण है कुछ कारण, अब कारण क्या है देखिए, आशा वर्कर में बहुत साल पहले तहसील वेलफेयर ऑफिसर भी होता था, मैं सीडीपीओ तीसरा भी रहा हूं कुछ टाइम के लिए, सलूनी में भी रहा बहुत साल पहले, तो तब भी हम आशा वर्कर की हमने रिक्रूटमेंट की, आंगनबाड़ी वर्कर्स की हमने रिक्रूटमेंट की, बट प्रॉब्लम यह है कि फील्ड का स्टाफ है, फील्ड का स्टाफ जो है जो उसको अचीव करना था वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कहीं ना कहीं गैप है, कोई ना कोई गैप है, गैप शायद सब में हम सब में कमी है, इसकी वजह से वो हम कर नहीं पा रहे। अब ये बार बार ये वाला जो कार्यक्रम है जो जिसको हम सुपोषित भारत की तरफ लेके जाना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, वो रीज़न ये है कि हम अपनी स्कीमों को पहुँचा नहीं पा रहे हैं। चीज़ हो सकती है कि इसमें साक्षरता दर की कमी है, बट हमेशा जो साक्षर होता है इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उसको सब कुछ आता है। सीधी सी छोटी छोटी बात है, जैसे अभी हमने इनको जो गिफ्ट दिया है, कहने का मतलब है कि अगर आप इनको अच्छी तरह से बताएंगे, इनको समझाएंगे, इनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाएंगे तो शायद हम लोग जो है वो इन चीज़ों से ऊपर उठ पाए और जो सुपोषित बच्चे हैं वो हमारे बीच में हो पाए। अब 1000 दिनों की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बात की इन्होंने 1000 की, इन्होंने भी बात की, तो सबसे पहली बात यह है कि
आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को अच्छी तरह से समझना है और आगे इनको समझाना है। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको कि हमारे जिले का जो प्रतिशतता रेट है कि कितने हमारे जो डिलीवरीज है वो हॉस्पिटल में होती हैं वो सिर्फ 17%। अगर 100 डिलीवरी होती हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो सिर्फ 17 ही हॉस्पिटल तक आती हैं, बाकी सारे के सारे घर में रह जाते हैं। तो कमी कहाँ है? क्या हमारी आशा वर्कर उनको समझा नहीं पा रही? क्या आप लोग उनको नहीं बता रहे पा रहे हैं आंगनबाड़ी वर्कर? या आपकी बातें नहीं मान रहे हैं लोग? क्यों नहीं मान रहे हैं? वो सोचने वाला विषय है कि क्यों ऐसा हो रहा है। सभी जगह ऐसा नहीं है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में देखो मैंने बहुत जगह काम किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम किया, ऐसा नहीं है। खासकर हमारे पास कुछ एक ब्लॉक्स जो हैं तीसा, पंगी, भरमौर, मैला, यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। बावजूद इसके कि हमारे पास काम बहुत है, आशा वर्कर शायद सभी जगह है, आंगनबाड़ी वर्कर सभी जगह है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो जाके उनको बताएं और उनको समझाएं। समझाना पड़ेगा तभी वो हॉस्पिटल तक आ पाएंगी, समझाना पड़ेगा तभी वो जो है वो 1000 दिन जो है वो आपका बच्चों के प्रति अच्छा निकलेगा, बच्चे सुपोषित होंगे, बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, और ज़्यादा जो डॉक्टर साहब ने बात कही थी आगे कि बाद में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं आएंगी। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरा खासकर आंगनबाड़ी वर्कर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं से, और अगर आशा वर्कर यहाँ पर आई हैं तो प्लीज़ थोड़ा बताइए, जाके फील्ड में अच्छी तरह से बताइए ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये परमानेंट हल हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चों में कोई रोग हो जाए। अगर बच्चा कुपोषित रह जाता है, उसका माइंड डेवलप नहीं हो पाता है, तो वो परमानेंट प्रॉब्लम है उस फैमिली के लिए। तो उसको हटाया जा सकता है बशर्ते कि हम सारे मिलजुल के इस तरफ काम करें और जो हमारी ड्यूटीज दी गई हैं उसको भी हम अच्छी तरह से निभाएं, और पेरेंट्स और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी इस चीज़ को देखें कि उनको केयर करनी है और 1000 दिन का जो ज़रूरी पीरियड है उसको अच्छी तरह से निभाना है।